Good morning, students. Today we are going to start with Sanskrit chapter 3. The name of the chapter is Atma Shraddhaya Prabhava. That means effect of self-confidence. This is a story of Eklavya and Guru Dronacharya. Dear students, this video is explanation of chapter 3. Students, please note, you don't have to write anything from this video. You just have to watch carefully and listen carefully whatever is being taught in this video. The PDF of translation, question answers of this chapter will be sent to you. This chapter's PDF will be shared with you in your group. So, you will have to write in your Sanskrit notebook from that PDF only. So, let us start with the chapter. The chapter's name is Atma Shraddhaya Prabhava. That means effect of self-confidence. Children, this is a story of Eklavya and Guru Dronacharya. Let us start. Ekaha Balakah Asitah. Ekah means one. Balakah means boy. Asit means was there. Hindi mein bolenge tha. Ek balak tha. That means there was a boy. Next line. Tasya naam Eklavya Asit. Tasya means uska, naam, that is name, Eklavya tha. Uska naam Eklavya tha. His name was Eklavya. Saha means he. Saha dhanurvidyam pathitum ichhati sma. Saha means he. Dhanurvidya means archery. Jaise dhanush chalana. Patitum means to learn. Wo seekhna chahta tha. Ichhati means to wish or wanted. Ichhati sma. That is, he wanted to learn archery. Again, this line's translation is, he wanted to learn archery. अब इस पूरे पैराग्राफ की मीनिंग समझेंगे. एक बालक था, मींस एक लड़का था, उसका नाम एकलव्य था. वो धनुर्विद्याम यानी कि वो आर्चरी सीखना चाहता था. कमिंग टू सेकेंड पैराग्राफ, लेट्स रीड. एकदा सह द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत अवदत् च गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि. अभी इसकी मीनिंग देखेंगे. एकदा मीन्स वंस यानी एक बार. सह मीन्स एकलव्य. द्रोणाचार्यस्य मीन्स गुरु द्रोणा. समीपम मीन्स नियर. अगच्छत मीन्स जाना. अवदत मीन्स बोलना. गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि. एक बार एकलव्य जो है वो गुरु द्रोणा के पास जाता है और जाकर बोलता है. अवदत मीन्स बोलना. गुरुदेव यानी कि ओ गुरु. अहम दैट इज आई. अपि मीन्स ऑल्सो. मैं भी. अहम मीन्स आई यानी मैं. अपि मीन्स भी. मैं भी धनुर्धरः भवितुम इच्छामि. धनुर्धरः मीन्स आर्चर. अ परफेक्ट आर्चर और यू कैन कॉल अ स्किल्ड आर्चर. भवितुम मीन्स टू बी. इच्छामि मीन्स इच्छा रखना. वो जाकर गुरुदेव को कहता है कि गुरुदेव मैं भी एक अच्छा धनुर्धर बनना चाहता हूँ. कृपया माम स्वीकुरु. कृपया मीन्स काइंडली. माम मीन्स मुझे.
स्वीकुरु मीन्स स्वीकार करो या कि एक्सेप्ट करो. अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, वंस ही वेंट टू द्रोणाचार्य एंड सेड, ओ टीचर, आई ऑल्सो विश टू बिकम अ स्किल्ड आर्चर, काइंडली एक्सेप्ट मी. नेक्स्ट लाइन इज आचार्य प्रत्यवर्धित. जब एकलव्य ने कहा कि आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे भी आर्चरी सिखाइए, तो आचार्य ने उसका रिप्लाई दिया है. आचार्य मीन्स गुरु द्रोणा, प्रत्यवध्यत मीन्स रिप्लाई देना. अहम दैट इज आई कौरवान पांडवान च पाठ्यामी. अब गुरु जी ने कहा है कि मैं कौरवा और पांडवास को सिखाता हूँ. पाठ्यामी मीन्स सिखाना. अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुम न शक्नोमी. अब इसका मतलब है अहम मीन्स आय, भवतः मीन्स तुमको, शिष्य रूपेण यानी कि शिष्य के रूप में स्वीकार कर नहीं सकता हूँ. न कर्तुम न शक्नोमी मीन्स नहीं कर सकता हूँ. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द टीचर रिप्लाइड, दैट इज द गुरु रिप्लाइड, आई टीच कौरवास एंड पांडवास, कि मैं पहले से ही कौरवास और पांडवास को सिखा रहा हूँ. आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज माई स्टूडेंट, कि मैं तुमको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ. लास्ट लाइन इज परंतु आचार्यम प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत. परंतु मतलब फिर भी आचार्य के प्रति, गुरु द्रोणा के प्रति, तस्य मीन्स उसकी, इस चैप्टर में हो जाएगा एकलव्य की श्रद्धा जो है शिथिला न अभवत. मीन्स शिथिला का मतलब होता है कम होना, कम नहीं हुई है. फिर भी आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा कम न हुई. ये सुनने के बाद भी जब आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, उसके बाद भी एकलव्य ने कभी उन्हें अपना गुरु मानने से इनकार नहीं किया. उसकी श्रद्धा वैसी ही रही. इट्स ट्रांसलेशन इज बट हिज फेथ टूवर्ड्स हिज गुरु डिड नॉट बिकम लेस. अगेन लेट्स अंडरस्टैंड द होल पैराग्राफ. एकदा स द्रोणाचार्य से समीपम अगच्छत, अवदत च गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि. एक बार एकलव्य जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास और कहता है कि गुरुदेव मुझे भी एक अच्छा धनुर्धर बनना है, कृपया माम स्वीकुरु, मुझे कृपया करके स्वीकार कीजिए. आचार्य उनका उत्तर दे रहे हैं अहम कौरवान पांडवान च पाठ्यामि, या दैट इज मैं पहले से ही कौरवास और पांडवास को पढ़ा रहा हूँ, दैट इज सिखा रहा हूँ आर्चरी. अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुम न शक्नोमि, दैट इज मैं तुम्हें अभी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ. परंतु आचार्यम प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत. फिर भी ये रिप्लाई सुनने के बाद भी कभी एकलव्य की श्रद्धा जो है वो गुरु द्रोणा के प्रति कम नहीं हुई. Now let's see what happened next. सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकाम मूर्तिम अरचत. सह मीन्स ही, दैट इज एकलव्य. आचार्यस्य द्रोणस्य, दैट मीन्स गुरु द्रोणा की. एकाम मीन्स एक, मूर्तिम मीन्स स्टैचू और मूर्ति, अरचत मीन्स टू मेक या फिर बनाना. एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, एक स्टैचू बनाया. नेक्स्ट लाइन ना, फर्स्ट इट्स ट्रांसलेशन इज ही मेड अ स्टैचू ऑफ आचार्य द्रोणा. कमिंग टू नेक्स्ट लाइन, सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत. सह मीन्स वो, प्रतिदिनम मीन्स डेली, मूर्तिम मीन्स स्टैचू, अनमत मीन्स नमन करना, दैट इज झुक कर प्रणाम करना.
सो वो रोज मूर्ति को झुककर प्रणाम करता था। एवरी डे ही यूज्ड टू बो डाउन टू द स्टैचू। थर्ड लाइन इज प्रातः कालात सायं पर्यंतम धनुर्विद्याया अभ्यासम अकरोत। प्रातः कालात दैट इज मॉर्निंग टाइम, सायं मीन्स इवनिंग, पर्यंतम मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यानी कि इवनिंग तक। धनुर्विद्याया मीन्स आर्चरी, अभ्यासम मीन्स टू प्रैक्टिस, अकरोत मीन्स करना। सुबह से लेकर शाम तक वो धनुर्विद्या का अभ्यास यानी प्रैक्टिस करता था। इट्स ट्रांसलेशन इज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ही यूज्ड टू प्रैक्टिस आर्चरी। लास्ट लाइन इज शनैः शनैः सह कुशल धनुर्धर अभवत। शनैः शनैः मीन्स स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते करते। सह मीन्स एकलव्य, कुशल मीन्स परफेक्ट और स्किल्ड, धनुर्धर यानी कि आर्चर, अभवत मीन्स बन जाना, टू बिकम। धीरे धीरे वो एक कुशल धनुर्धर बन गया, एक अच्छा धनुर्धर बन गया। सो इट्स ट्रांसलेशन इज स्लोली स्लोली ही बिकेम अ स्किल्ड आर्चर। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि मैं तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, फिर भी एकलव्य ने गुरुजी की मूर्ति बनाकर उनके सामने डेली प्रैक्टिस की और वो एक अच्छा धनुर्धर बन गया। कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, एकदा तस्मीन वने गुरु द्रोणः पांडवे कौरवे च स आगच्छत। एकदा मीन्स वंस, दैट इज एक बार। तस्मीन वने मतलब उसी फॉरेस्ट में जहाँ एकलव्य प्रैक्टिस करता था, गुरु द्रोण, गुरु द्रोणाचार्य जो है पांडवों और कौरवों के साथ आते हैं। आगच्छत मीन्स आना, सह मीन्स साथ में आना। नाउ हियर यू कैन सी गुरु द्रोण इज कम टू द फॉरेस्ट अलोंग विथ पांडवास एंड कौरवास। गुरु द्रोण जो है पांडवास और कौरवास के साथ उसी फॉरेस्ट में आए हैं। इट्स ट्रांसलेशन इज वंस गुरु द्रोण केम टू दैट फॉरेस्ट विथ द पांडवास एंड कौरवास। नेक्स्ट लाइन इज एकः कुकुरः तान दृष्ट्वा अबशत। एकः मीन्स वन, कुकुरः मीन्स डॉग। सी हियर इन द पिक्चर यू कैन सी अ डॉग इज देयर। एक डॉग जो है तान दृष्ट्वा, तान दृष्ट्वा मीन्स इन सबको देखकर, अबशत मीन्स बार्किंग करना, इन सबको देखकर एक डॉग उसी फॉरेस्ट में भौंकने लगा। इट्स ट्रांसलेशन इज ऑन सीइंग देम अ डॉग स्टार्टेड बार्किंग। सो द होल पैराग्राफ्स मीनिंग इज एक बार जब गुरु द्रोण जो है पांडवों और कौरवों के साथ उसी फॉरेस्ट में आते हैं और वहीं पर एक डॉग जो है उन्हें देखकर भौंकने लगता है। कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति स्म। दैट मीन्स अर्जुन ने धनुष उठाया। उत्थापयति मीन्स टू पिक अप, टू टेक अप या फिर उठाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में अर्जुन ने धनुष को उठाया है। इन इंग्लिश अर्जुन पिक्ड अप द बो। नेक्स्ट लाइन इज तदैव एकलव्य बाणे तस्य कुकुरस्य मुखम असीव्यत। तदैव मीन्स इंस्टेंटली और यू कैन कॉल इट सून। एकलव्य बाणे मीन्स जो एरोज होते हैं उन्हें उठाया। तस्य कुकुरस्य और डॉग के मुँह को, मुखम मीन्स माउथ, स्टिच कर दिया। असीव्यत मीन्स स्टिच्ड। इन द पिक्चर हेयर यू कैन सी दैट डॉग्स माउथ इज स्टिच्ड विथ एरोज। दैट मीन्स ही स्टॉप द डॉग फ्रॉम बार्किंग। इन इंग्लिश एट दैट टाइम एकलव्य स्टिच्ड अप द डॉग्स माउथ विथ
arrows. Let's see what happens next. Dronacharya etat drishtva tatra agachat tam cha aprachat. Dronacharya etat means this. Guru Drona ne ye dekha. Drishtva means seen. Tatra means there. Agachat means ana. Tam means उसे यानी एकलव्य को. अप्रच्छत मीन्स टू आस्क. द्रोणाचार्य ये देखते ही वहाँ आते हैं और पूछते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर द्रोणाचार्य गोज टू एकलव्य एंड आस्क हिम. कह तव आचार्य. कह मीन्स कौन. तव मीन्स तुम्हारा. आचार्य मीन्स गुरु. पूछते हैं उससे कि कह तव आचार्य कौन तुम्हारा गुरु है. In English, seeing this, Dronacharya came there and asked him, "Who is your teacher?" क्योंकि जब अर्जुन बो चलाने ही वाला था, उससे पहले ही एकलव्य ने डॉग के माउथ को स्टिच कर दिया. और हम सब जानते हैं कि अर्जुन एक बहुत ही अच्छा आर्चर था. तदा सह द्रोणाचार्यम ताम मूर्तिम अदृश्यत. उसी टाइम. तदा means then. सह means he. द्रोणाचार्यम means गुरु द्रोणा. ताम means उनकी. मूर्तिम that is statue. अदृश्यत means showed. उसी टाइम एकलव्य ने गुरु द्रोणा की मूर्ति उन्हें दिखाई. देन ही शोड द स्टैचू टू द्रोणाचार्य. जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि कौन तुम्हारा गुरु है, तो एकलव्य ने उन्हें उनकी बनी हुई स्टैचू दिखाई कि ये मेरे गुरु हैं. कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ विच इज द मॉरल ऑफ द चैप्टर. एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति. दैट मीन्स एकलव्य गुरु श्रद्धाया गुरु के प्रति श्रद्धा, स्वश्रद्धाया दैट मीन्स खुद में विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. च प्रतीकम. प्रतीकम मीन्स इट्स एन प्रतीक. वो एक एग्जाम्पल है. एकलव्य जो है वो गुरु के प्रति श्रद्धा का और खुद में विश्वास का एग्जाम्पल है. लेट्स सी इन इंग्लिश. एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन द टीचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. वाई? बिकॉज व्हेन द गुरु द्रोणाचार्य refused to teach him archery, he made the statue of Guru Drona and he himself practiced archery and considered the statue to be as a guru. Next line, Eklavya Asman Shikshati. Eklavya Asman means humko, Shikshati means sikhata hai. Swayam Jyoti, khud ki jo light hai. Swayam Pragya Bhavatu. That is Swayam Jyoti, that means light. Swayam Pragya means khud hi humko khud ki light banna hai. Bhavatu means to be. So, Eklavya teaches us ki hume apni roshni khud hi banna hai, hume khud ko khud hi guide karna hai. Eklavya teaches us become your own light and discerning intelligence. Discerning intelligence means खुद के विवेक को हमको खुद ही गाइड करना है. हमारे कॉन्शियस को भी हम खुद ही गाइड कर सकते हैं अगर हमें खुद में विश्वास हो तो. यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हिं कापि सिद्धि दुर्लभ नास्ति. यदि मीन्स इफ. अस्मासु मतलब हमारी. आत्मश्रद्धा मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस है. अस्ति मीन्स है. तर्हिं मीन्स तो. कापी मीन्स कोई भी. सिद्धि मीन्स सक्सेस. दुर्लभा मीन्स डिफिकल्ट. नास्ति मीन्स नहीं है. यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति अगर हमारे में आत्मश्रद्धा है तो कोई भी सिद्धि पाना मुश्किल नहीं है. इन इंग्लिश, इफ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस देन नो अचीवमेंट विल बी डिफिकल्ट टू अटेन फॉर अस. लास्ट लाइन, अनंतरम आत्मश्रद्धाया
बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत। इसके बाद देन ही आत्मश्रद्धा मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से बलेन मीन्स उसके बल पर श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत। वो सह मीन्स ही बिकेम, श्रेष्ठ मीन्स स्किल्ड, धनुर्धर मीन्स आर्चर। इन इंग्लिश लास्ट लाइन इज देन ही बिकेम द बेस्ट आर्चर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि एकलव्य ने खुद में विश्वास रखा और गुरु में भी विश्वास रखा और वो एक अच्छा धनुर्धर बन गया। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। चिल्ड्रन प्लीज नोट अगेन, डोंट राइट एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। द PDF ऑफ चैप्टर 3 विल बी शेयर्ड विद यू सून। यू विल हैव टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम द चैप्टर 3 PDF एंड कंप्लीट योर संस्कृत नोटबुक। I hope everything was clear with this chapter. You don't have any doubts now. You understood the story and also understood the moral of this story, that if you have self-confidence, nothing is impossible. Thank you.